आज मैं चीज़ स्टिक्स बनाने वाली हूँ अपनी रेसिपी में। प्रीति रेसिपी ब्लॉग, ये मेरे ब्लॉग का नाम है। और ये चीज़ स्टिक्स आज के इवनिंग ब्रेकफास्ट के नाम, ये चीज़ जो रेडीमेड पाया जाता है पैकेट में, इसको खोलिएगा आप तो इस तरह का पैकेट निकलेगा। इसको खोलने के बाद ये ऐसा रहेगा। इसी के आज हम लोग चीज़ स्टिक्स बनाएंगे। सबसे पहले चीज़ को लें, उसके बाद इसको मैदा के घोल में डीप करें। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस 3 टेबल स्पून मैदा, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट डालकर इसको घोल बनाना है। उसके बाद ये एक का घोल बनाना है, एक लेकर इसको घोल बनाना है। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स है। सबसे पहले हम लोग चीज़ को मैदे में डीप करेंगे। मैदे में डीप करने के बाद उसके बाद हम लोग इसको एग में डीप करेंगे। एग में डीप करने के बाद हम लोग इसको ब्रेड क्रम्स में डीप करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग इसका एक कोट डालेंगे ताकि ये अच्छे से घोल में पूरी तरह से डीप हो जाए। ये अंडे में फिर से ये ब्रेड क्रम्स में अच्छे से हमने इसको डीप कर दिया। उसके बाद इसको हम लोग इसको डीप फ्राई करेंगे। इसी तरह से सारे चीज को आप बनाकर रख लीजिए। ये एग में डीप करने के बाद फिर से हमने ब्रेड क्रम्स में डीप किया। उसके बाद फिर से हमने एग में डीप किया ताकि ये इसका कोट अच्छे से इसके अंदर चला जाए। फिर से ये ब्रेड क्रम्स में गया। हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए आप ऑयल या रिफाइंड कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से हीट कर लें। इसको डीप फ्राई कर लें। जब तक ये लाल ना हो जाए इसको डीप फ्राई अच्छे से कर लें। बस ये लगभग हो गया है। फ्लेम को एकदम ही स्लो करके रखना है। ये हमारा चीज स्टिक्स तैयार है। इसको आप सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये हमारा चीज स्टिक्स। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।